Hey guys, welcome back to my official channel. This is me, Bhavna Sharma. I really wish you all are doing great. तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मेरे यूनिक ब्लाउज का कलेक्शन. जैसा हमेशा मैं आप लोगों के साथ कुछ डिफरेंट से डिफरेंट ब्लाउज का डिजाइन शेयर करती हूँ और ये डिजाइन आप लोगों के लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाले हैं. तो अगर आप लोगों को वीडियो इतना सा भी अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर कर दीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सबसे पहले मैं शुरू करूंगी मेरे इस ब्राउन कलर के वेलवेट ब्लाउज के डिजाइन के साथ. ये जो है ये इसका सबसे ज्यादा हाईलाइट पॉइंट ये है कि इसका जो नेक है ना फ्रंट का वो बहुत अच्छा लग रहा है. ये मेरे पास ना अलग से ना फैब्रिक पड़ा हुआ था एम्ब्रॉयडरी वाला, तो मैंने सोचा ना इसमें कुछ कलर थोड़ा सा ना सिमिलर था, थोड़ा मैच कर रहा था, तो फिर मैंने सोचा ना इसके साथ इसको अटैच कर देना चाहिए. फ्रंट से इसका लुक बहुत अच्छा लगता है. तो फुल लेंथ की बात करूं, लेंथ मैंने इसकी 14.5 इंच रखी है. पैडेड ब्लाउज है विद प्रिंसेस कट है. देन आप लोग ये वाला पार्ट देख रहे हैं, यहाँ पे भी मैंने नेट अटैच कर रखी है. जब हम पहनते हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा लगता है. आप लोग ना इसको एज अ क्रॉप टॉप भी यूज कर सकते हैं. बैक साइड आप लोगों को फ्रंट की तरह ही मिलेगा, थोड़ा सा सिमिलर. यहाँ पे मैंने एक ना स्क्वायर का बॉक्स बनाया, फिर उसके अंदर ना मैंने ये अटैच कर दिया. देन ये हमारी हुक पट्टी है, अभी मुझे इसमें हुक लगाने तो अभी स्किप कर रखे हैं. देन ये वाला जो पार्ट है ना ये मैंने यहाँ पे एक राउंड का शेप दिया था, फिर उसके बाद मैंने डोरी लगाई है यहाँ पे, जिसमें अभी मेरे को लटकन वगैरह देखती हूँ क्या लगाने हैं. बट मुझे ना इसको सिंपल सा रखना था ताकि हम इसको एज अ वेस्टर्न ब्लाउज भी कैरी कर सकते हैं, तो काफी अच्छा लगेगा. तो प्लेट लगा दे ताकि फिटिंग अच्छे तरीके से बैठ जाए. नेक इसका ना काफी ज्यादा क्लोज है, यहाँ तक पूरा इस तरीके से आता है इसका नेक. और ये वाला जो पार्ट है ना जब ये हाईलाइट होता है काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है. तो ये ब्लाउज का लुक है ना पहनने के बाद काफी अच्छा लगेगा. और अभी ना मेरे पास ना लगभग एक ही मैसेज आ रहा है बहुत टाइम से आ रहे हैं कि दीदी अब आप अपने ब्लाउज को सेल क्यों नहीं करती, हमें परचेस करना है. तो गाइस अभी ना मैं सेल के लिए नहीं बना रही, बट जब भी मैं सेल के लिए बनाऊंगी डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तब उनको आप लोग परचेस भी कर सकते हैं. तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट ब्लाउज. तो ये है एक ब्लैक कलर का गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज का डिजाइन. इसका जो फैब्रिक है वो ऑर्गेन्जा है एंड काफी ज्यादा शेयर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ना इस तरीके से शेप दे दिया टेंट ट्यूब का. फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्लोज नेक बनाया ताकि हमारा ये वाला जो पार्ट है ना वो हाईलाइट हो सके, नेट का जो भी यहाँ से ट्रांसपेरेंट रहता है वो. देन पैडेड ब्लाउज है विद प्रिंसेस कट है. लेंथ रखी है मैंने इसकी 15 इंच. स्लीव मैंने इसकी पूरी फुल स्लीव बनाई है. तो स्लीव का स्टाइल आप लोगों को अम्ब्रेला मिल जाएगा, देख सकते हैं जैसा आप लोग. यहाँ पे भी आप लोगों को एम्ब्रॉयडरी मिल जाएगी. तो ये एम्ब्रॉयडरी मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए फिर मैंने सोचा स्लीव में इसको अम्ब्रेला वाला बना देते हैं, लुक तो काफी अच्छा लगेगा. वेल फ्रंट से इसका लुक इस तरीके से है. चलिए अब हम देखते हैं इसका बैक साइड. बैक साइड है इसका इस तरीके से. सबसे पहले बैक साइड पे मैंने यू का शेप दिया है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना एक स्ट्रेट कट लगा दिया, जिसमें यहाँ पे मैंने तीन सेट लगाए डोरियों के और जिसमें छोटे छोटे लटकन भी लगा दिए हैं. बट उससे पहले ना ये वाला जो पार्ट है ना यहाँ पे छोटा सा ना मैंने इस तरीके से पैटर्न बना दिया है, जिससे इसका लुक बहुत अच्छा लग रहा है. और अगर आप लोग चाहो ना इस तरीके से पूरे यहाँ पे ना पैटर्न बना सकते हैं इस तरीके से काट काट के, तो काफी अच्छा लग रहा है जिससे लुक. देन बैक साइड में इसमें प्लेट अटैच किए ताकि फिटिंग हमारी अच्छी तरीके से बैठ जाए. एंड ये जो है ये मैंने एक स्कर्ट के लिए रेडी किया था, इसके ऊपर का टॉप. उसकी स्कर्ट भी बहुत जल्दी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी. तो अगर आप लोगों को ब्लाउज के डिजाइन अच्छे लग रहे हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा. और अगर आप लोग इन सभी का लुक बुक देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इनका लुक देखने के लिए. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल @bhavnasarshanabh. जैसा आप सभी को पता है वहां पे मैं अपनी डेली लाइफ स्टाइल की चीजें शेयर करती रहती हूँ, तो इन सभी का बहुत जल्दी वहां पे मैं अपलोड कर दूंगी पिक्चर, तो आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि चीजें पहनने के बाद ज्यादा समझ में आती है. ओके तो हम इसकी बात करते हैं थर्ड ब्लाउज की. ये है मेरे पास एक सीक्वेंस का ब्लैक कलर का वेलवेट का ब्लाउज. इसका कलर इतना प्यारा है, बहुत सुंदर ब्लाउज लग रहा था पहनने के बाद, काफी हैवी भी लुक दे रहा था. तो लेंथ की बात कर ले तो लेंथ मैंने इसकी 14.5 इंच रखी है. नेक इसका फ्रंट का मैंने वीका नेक दिया है, जिस पर मैंने यहाँ पे सिल्वर कलर की लेस भी अटैच कर दी ताकि इसके जो सितारे थे ना वो सिल्वर के शाइन कर देते, तो इसलिए फिर मैंने सोचा सिल्वर की लेस दे देती हूँ, उससे काफी अच्छा लग रहा था. तो फ्रंट नेक की लेंथ मैंने रखी 7 पॉइंट. देन उसके बाद ना मैंने ये वाला जो पार्ट है ना मेरा बॉटम वाला, यहाँ से भी इस तरीके से शेप डाल दिया और यहाँ पे भी लेस अटैच कर दी, तो काफी अच्छा लग रहा है इसका लुक. स्लीव की बात करूँ, स्लीव मैंने इसमें रखी 10.5 इंच, जिस पे मैंने ये यहाँ पर लेस लगा दी बॉटम में. देन यहाँ पे ना मैंने एक हार्ट का शेप भी बनाया, देख सकते हैं आप लोग. आप लोग चाहो तो इस पे भी लेस वगैरह से कवर कर सकते हैं. बाकी मैंने पूरा प्लेन रखा है, पैटर्न ब्लाउज है विद प्रिंसेस कट है ताकि फिटिंग अच्छे से आ जाए हमारी.
तो इसका जो बैक साइड है ना, बैक साइड आप लोगों को जरूर अछा लगेगा। बैक साइड सबसे पहले मैंने एक वी का कट दिया है 6 इंच का, फिर उसके बाद यहाँ पे डोरी अटैच कर दिए, बैक साइड इसका ओपन है, फिर उसके बाद एक बड़ा सा ना यहाँ पे ना एक राउंड का शेप डाल दिया है। देन विड्थ इसकी टोटल मैंने 12 इंच रखी है। और बैक साइड में ये वाला जो पार्ट है ना, ये हुक पट्टी भी आप लोग इसमें अटैच कर सकते हैं, बट मैंने ज़्यादा प्रिफर किया था कि डोरी मैं इसमें अटैच कर दूंगी तो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है, पहनने में भी मुझे थोड़ा अच्छा लुक लगता है और हुक पट्टी से भी छुटकारा मिल जाता है। तो ये इसका बैक साइड का लुक है। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। वैसे बहुत जल्दी मैं ट्राई करूंगी इन सभी का, जितना भी लुक है मैं इंस्टाग्राम पे शेयर कर दूं, तो अगर आप लोग चाहो मुझे वहां पे फॉलो करना तो वहां पे कर लीजिएगा इनके लुक देखने के लिए। तो गाइस ये थे मेरे आज के प्यारे प्यारे ब्लाउज का कलेक्शन। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, कितना हेल्पफुल लगता है, लेट मी नो कमेंट के थ्रू जरूर बताएगा, और वेट करूंगी आप सभी के कमेंट्स का। एंड सबसे अच्छा जिसका भी कमेंट लगेगा उसको मैं पिन जरूर करूंगी। तो इसी तरह की कलेक्शन के साथ मैं आप लोगों से मुलाकात करते रहूंगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय, टेक केयर।